और गाइस यू आर वेलकम बैक वंस अगेन अगर आप मेरे चैनल पे नए हो मेरा नाम है मैं बर्लिन में रहता हूँ बिकॉज हम एक एडमिशन के पीक सीजन में मैंने सोचा यार ये वी, ये वीडियो डाल ही देते हैं बिकॉज मेरे को पिछले दस दिनों से जो भी लोग मेरे से पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर रहे हैं उनका एक क्वेश्चन कॉमन है कि वी होता क्या है इसका डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगते हैं इसको कहाँ यूज कर जाता है तो इसको अप्लाई कैसे करते हैं तो ये जो सारे क्वेश्चन है इन सारे क्वेश्चन का मैं आंसर इस वीडियो में देना चाहता हूँ अगर आपको अपने क्वेरी सॉल्व करवानी है अगर आपको मेरे से डायरेक्ट बात करना है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक डाल दूँगा जिससे आप पर्सनल अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर आपको नहीं पता है मैं इंडिया आ रहा हूँ अगले महीने एग्जैक्टली exactly एक महीने आज से और बारह शहरों में मैं इवेंट कर रख रहा हूँ अगर आप इंटरेस्टेड हो तो टिकट बहुत लिमिटेड है अभी अवेलेबल है अगले दस पंद्रह दिन में हम बंद करने वाले हैं तो आप प्लीज़ अपना टिकट ले लो और अगर आपको और डिटेल में जानना है कि मैं कौन से शहर आ रहा हूँ कितने बजे आ रहा हूँ कितने टाइम पर आ रहा हूँ ये सब कुछ ये वीडियो जाके देखो और ये वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा चलो स्टार्ट करते हैं सो क्वेश्चन नंबर वन वी होता क्या है वी बेसिकली एक डॉक्यूमेंट देता है यूनि असिस्ट जिससे यूनिवर्सिटी को ये पता लगता है कि आपका जो भी इंडियन ग्रेड था या आप जहां से भी पढ़ के आ रहे हो दुनिया में वो उस देश का ग्रेड्स को लेके जर्मन जीपीए में कन्वर्ट कर देते हैं अब जर्मनी में जो ग्रेडिंग सिस्टम होता है वो होता है एक से लेके पाँच तक का एक मतलब हाइस्ट आउट ऑफ आउट फोर मतलब जस्ट पास्ट फोर के उस पार आप फेल हो ठीक है तो आपका VPD आपको यही कहता है कि आपको कितने ग्रेड्स आए हैं जर्मन जी के अकॉर्डिंग आपको जो आपके सीजीपीए में मिला होगा उसको सीजीपीए को हम जर्मन जीपीए में कन्वर्ट कर देता है ये एक वीपीडी का काम है वीपीडी प्रोसेस होने के लिए लगभग लगभग चार से छः हफ्ते लग जाते हैं बोलने के लिए होता है बट थोड़ा जल्दी कर देते हैं वो सेकेंड क्वेश्चन मेरे पास ये भी आया था कि वीपीडी निकलता कहाँ से कौन देता है हर यूनिवर्सिटी आपसे वीपीडी नहीं मांगेगा आपको चेक करना पड़ेगा इंडिविजुअल कोर्स की वेबसाइट पर जाके कि क्या इस पर्टिकुलर कोर्स के लिए वीपीडी मांग रहे हैं या डायरेक्ट मैं यूनिसिस्ट पे आऊं सिलेक्ट करूं इस पर्टिकुलर कोर्स को ऐड टू कार्ड करके पैसे भर के काम खत्म तो आपको चेक करना पड़ेगा जहां जहां वी मांग रहे हैं मतलब वीपीडी लेकर आप यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे जाओगे उस पर्टिकुलर कोर्स को सिलेक्ट करोगे उन यूनिवर्सिटी पोर्टल पे प्लस डॉक्यूमेंट सारे अपलोड करोगे आपके अकेडमिक प्लस वीपीडी डॉक्यूमेंट अपलोड करोगे ऐसे निकलता है वीपीडी यूनियसिस से तो जैसे मैंने बताया वीपीडी हर यूनिवर्सिटी हर कोर्स नहीं मांगेगा ठीक है कुछ ही सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ है जिसके लिए वी चाहिए होता है वो आपको कैसे पता चलेगा यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाओ अभी मैं इस वक्त गूगल पे हूँ आपको सबसे पहले टाइप करना है माई असिस पहले तो हम अकाउंट क्रिएट करने जा रहे हैं फिलहाल के लिए तो सबसे पहले ये सब ओके ओके कर देते हैं क्रिएट न्यू अकाउंट ई मेल डालो अपना फटाफट ठीक है ये डमी एक ई मेल लिया है मैंने तो मैं डिटेल्स डाल देता हूँ ठीक है मेरे साथ करते जाओ जो जो मैं कर रहा हूँ तो अभी मेरे को ई मेल आई डी इन्होंने एक ई भेजा है जिसको मैं एक्सेप्ट करूंगा तो मेरा अकाउंट एक्टिवेट कर देंगे ये यूनिसिस्ट का अपने जी मेल आई पे आया हूँ ये रहा मेरे को जो ई आया था वी हैव रिसिव योर रजिस्ट्रेशन प्लीज एक्टिवेट यूर अकाउंट बाई क्लिकिंग ऑन द बिलो लिंक ठीक है ये मैंने ई मेल आई डी डाला था इस पर यार कोई ई मेल मत करना बिकॉज मैं ये ई मेल आई डी डमी बनाया मैंने नहीं तो लोग चढ़ जाएंगे अपने क्वेश्चन पूछने इसीलिए तो मैंने क्लिक कर दिया है इन्होंने मेरा अकाउंट एक्टिवेट कर दिया सक्सेसफुली अब लॉग इन करता हूँ मैं फिर से इस अकाउंट में तो यार ई मेल क्या था यार मेरा कहाँ गया हाँ ई मेल भी भूल गया मैं तो यहाँ से कॉपी किया मैंने ई अब मैं साइन इन करने जा रहा हूँ तो आपके लिए आ, मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता हूँ ऊपर कॉर्नर में आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर दो अब फटाफट फ़ड़ इन्होंने कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं मैं भरते जाऊंगा आप देखते जाओ और आप भी फॉलो करते जाओ साथ साइड साइड बाय जेंडर मेल फर्स्ट नेम रमेश कुमार सिंपल सिंपल लेते हैं कुमार बर्थ नेम रमेश कुमार डेट ऑफ बर्थ एटलीस्ट नाइनटी सेवन का तो रखते हैं चलो तीन तारीख तीन अप्रैल प्लेस ऑफ बर्थ मुंबई नेशनैलिटी इंडियन फटाफट चूज करता हूँ मैं इंडिया आई कम टू जर्मनी ये सब छोड़ देना नेक्स्ट पे चलते हैं पार्ट टू पे कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन पूछ रहे हैं केयर ऑफ प्लीज एंटर द इन्फॉर्मेशन एज फॉलो केयर ऑफ नेम ये सब छोड़ दो जो रेड मार्क किया आपको वो भरना है वो मैंडेटरी है स्ट्रीट नेम आपका घर का नाम डाल दो क्या डालू यार गैलेक्सी अपार्टमेंट सलमान खान के घर का नाम मुंबई में गैलेक्सी अपार्टमेंट यहाँ पर स्ट्रीट नेम में और हाउस नेम में एक लिमिटेशन है कैरेक्टर्स का तो आप एड्रेस नीचे कंटिन्यू कर सकते हो बैंड्रा वेस्ट पोस्टल कोड फोर जो भी है सिटी डाल देता हूँ मैं मुंबई इंडिया कंटिन्यू आई यू टू सिटीजन ऑफ नहीं ये सब छोड़ दो कभी और समझाऊंगा मैं ये क्या लिखा है ये सब बट अभी के लिए आप आगे बढ़ते चलो स्कूल लिविंग क्वालिफिकेशन हैव यू फ्रॉम स्कूल

कंप्लीट अ फर्स्ट डिग्री प्रोग्राम एटलीस्ट थ्री ईयर्स ये बिकॉज हम ये अपलिकेशन कर रहे हैं जिसको मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है इसलिए आपको ये yes करना है अगर आप बैचलर अपलाई कर रहे हो तो नो no करना चंट्री डिड यू अटेन योर फर्स्ट डिग्री इंडिया में नेम ऑफ योर यूनिवर्सिटी बिकॉज इंडिया में ने सिलेक्ट करा आप जितनी भी यूनिवर्सिटीज यहाँ दिख रही है अगर आपकी इसमें से है तो आप सिलेक्ट कर लो मैं एक बार स्क्रॉल डाउन करूंगा जहाँ जाके रुकेगा वहीं पर सिलेक्ट कर देंगे चलो जी कुमाउन यूनिवर्सिटी नैनीताल उत्तराखंड नेम ऑफ द यूनिवर्सिटी डिग्री अर्न और विल बी शॉर्टली नेम ऑफ़ द सब्जेक्ट सब्जेक्ट अब इंजीनियरिंग में में क्या subject किस में करा मैंने से कंप्यूटर साइंस एक बार पासवर्ड डाल देते हैं सेव एनी मैसेज फ्रॉम यूनिवर्सिस्ट बी मेड अवेलेबल टू यू इन योर इनबॉक्स आई रेगुलरली चेक ठीक है जी यहाँ से आगे बढ़ने से पहले एक काम कर लेते हैं पहले डॉक्यूमेंट अपलोड कर लेते हैं तो आप माई एप्लीकेशन में जाओगे डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाओगे अब यहाँ पर आप कैटेगरीज देख रहे हो वो मांग रहा है एप्लीकेशन फॉर्म सी लैंग्वेज सर्टिफिकेट एल अदर पासपोर्ट स्कूल सर्टिफिकेट वर्क एक्सपीरियंस वर्क सैम्पल जो भी अब आपके पास जितना भी ताम झाम है सो so, आपका टेंथ हो गया ट्वेल्थ हो गया बैचलर्स का जितना भी सर्टिफिकेट है आपका कंसल्टेट मार्कशीट ट्रांसक्रिप्ट है फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर एट सेमेस्टर तक का या आप, आप अभी ग्रेजुएट होने वाले हो तो फर्स्ट सेमेस्टर से लेके सेमेस्टर तक और फिर एट सेमेस्टर का अप्लाइड करके एक बोनिफाइड सर्टिफिकेट निकलवा लो वो चाहिए होगा एसओपी चाहिए होगा एलओआर चाहिए होगा तो ये सारी चीजें हमें चाहिए होगी तो ये आगे बढ़ने से पहले ऊपर जो एप्लीकेशन नंबर लिखा है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है आप जब भी यूनिसेस को कोई को भी डॉक्यूमेंट भेजोगे इनका एड्रेस लिखोगे और आप अपना एप्लीकेशन नंबर ऊपर डालोगे एक और चीज आप कहीं पर भी फंस गए पूरे प्लेटफॉर्म कर दो आप सीधा इसी पेज पर लैंड हो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आप हो सकता है यूनिवर्सिटी का नाम इंग्लिश में जानते हो बट अगर आप यहाँ पर टाइप करोगे यूनिवर्सिटी ऐसे करके वो इंग्लिश में डिटेक्ट नहीं कर पाएगा बिकॉज जो डेटा फीड किया गया है वो जर्मन में फीड किया गया है यूनिवर्सिटी लिखा होगा ऑफ डॉइच जर्मन में ठीक है तो अब जितने भी यूनिवर्सिटी का नाम देखोगे ना वो जर्मन में लिखा हुआ है कहीं पर भी यूनिवर्सिटी इंग्लिश में नहीं लिखा है यूनिवर्सिटी लिखा हुआ है जब भी यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हो आप प्लीज़ उनका जो ओरिजिनल नेम है जर्मन में वही इधर पेस्ट करना कॉपी पेस्ट कर लो उनके ऑफिशियल वेबसाइट से यहाँ के पेस्ट कर दो सो so, एक एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक वी मांगती है ठीक है उनके पोर्टल पे आके अप्लाई करने से पहले तो मैं आपको टेक्निकल यूनिवर्सिटी म्यूनिक ढूंढते हैं यहाँ पर टेक्नीश यूनिवर्सिटी म्यूनशन कहाँ है यार टेक्निक ठीक है एडवांस सर्च भी कर सकते हो आप बायन में आता है बिकॉज आपने म्यूनिक सिलेक्ट किया है तो वो सीधा सीधा उसको समझ गया कि ये बायन में आता है बिकॉज बायन मतलब बवेरिया जो स्टेट है मैं देख रहा हूँ सिर्फ मास्टर्स के लिए तो यूनिसेस के थ्रू सिर्फ एक ही एप्लीकेशन फाइल हो सकती है वो है वीपीडी के लिए टी यू एम के लिए तो इन्होंने लिख रखा है मास्टर्स आलफे शो डिटेल्स आपको सिंपली कुछ नहीं करना है ज्यादा दिमाग नहीं सिलेक्ट एड टू कार्ट आपने कार्ट में एड कर दिया आप ये रहा कार्ट ठीक है यहाँ जाओगे आप ये रहा। तो पैसा भरने से पहले आपको शो एडिशनल एप्लीकेशन रिलेटेड क्वेश्चन नो अन क्वेश्चन इज मैंडेटरी तब भी मैं चाहता हूं आप ये सब भर दो डिटेल्स अंदर जाके जब डिटेल्स भर जाएगी सिंपली सेव कर दो उसके बाद आपको इनको फिजिकल कॉपीज भेजना है यहाँ पर जैसे लिखा हुआ है इन्फॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय द यूनिवर्सिटी नोट द स्पेशल एप्लीकेशन प्रोसीजर एट दर्सिटी अ जनरेटी ऑफ योर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वालिफिकेशन यू कैन स्टार्ट एप्लीकेशन प्रोसेस विदाउट दीपीडी बट वीपीडी मस्ट ऑलवेज बी इन सब्सिक्वेंटली यू कैन एक्सेस दूनिवर्सिटी एप्लीकेशन पोर्टल डायरेक्टली ओवर दिस लिंक हम इसको नए टैब में खोल लेते हैं यहाँ आओगे आपको मैं इंग्लिश में कन्वर्ट कर देता हूँ यहाँ से यहाँ आने के बाद पहला ही लिंक यहाँ दबाओ सीधा इनके पोर्टल पर खोलता है टी यूएम कैंपस पोर्टल साइन अप करोगे फॉर न्यू अकाउंट सारे डिटेल्स डाल के आप अंदर जाओगे और यहाँ पर सारे डॉक्यूमेंट लेके अलॉन्ग विथ वी पी डी अप्लाई करोगे टी यू एम में तो एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग लेट्स से कोई और यूनिवर्सिटी लेते हैं होक्सुले ब्रेमन अच्छी शहर थी गया था मैं तो यहाँ पर ब्रेमन सेलेक्ट कर लो अब जितनी भी एप्लीकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रेमन में जाने वाली है ठीक है यूनिसेस के थ्रू वो है नंबर पंद्रह टोटल तो आप देख सकते हो क्योंकि मैंने मास्टर्स सिलेक्ट कर रखा है तो ये सारे मास्टर्स के प्रोग्राम ही दिखा रहे हैं लेट्स से फॉर एग्जाम्पल बिजनेस मैनेजमेंट एम करना है मेरे को तो मैंने किया शो डिटेल्स आपने पढ़ लिया आप मोर में जा सकते हो ठीक है तो इसमें भी इन्होंने देखो जैसे प्लीज़ नोट हमें वी चाहिए बेसिकली यूनिअिस्ट इशूज ऑफ प्रलिमिनरी वी फॉर दी फॉर योर यूनिवर्सिटी एंट्रेंस क्वालिफिकेशन ठीक है यू विल हैव टू अप्लाई डायरेक्टली एट द यूनिवर्सिटी बाय सबमिटिंग द वी डॉक्यूमेंट यू कैन एक्सेस द यूनिवर्सिटीज एप्लीकेशन पोर्टल हियर और भैया ये लिंक क्लिक होगा क्या लेट्स सी इसको खोल के देखते हैं दूसरे टैब में तो जी ये लो आ गए हम इनके पोर्टल पे ठीक है और इसको भी आप इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो और ये सारा कुछ इंग्लिश में हो गया तो so इसमें भी जैसे इन्होंने वी मांगा है तो आपको वी इसको आपको सिर्फ सेलेक्ट करना है तो ये सीधा कार्ट में ऐड हो जाएगा यहाँ जाओगे आप तो आप देखोगे तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन भरना है आपको कोई फिजिकल कॉपीज़ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि अभी मैंने कोई डॉक्यूमेंट इस माय असिस्ट में अपलोड नहीं करा है बिकॉज मेरे पास रियल डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं पड़े हैं बिकॉज हम डमी एप्लीकेशन कर रहे हैं तो आपको क्या करना है कि आप माई एप्लीकेशंस में जाओगे आप डॉक्यूमेंट्स में जाओगे आप सारा डॉक्यूमेंट्स यहाँ से जो जो बोला है सारा कुछ आपका जो भी पढ़ाई लिखाई का लिखा का है, है सब अपलोड कर देना कुछ सेक्शन जो अगर तुम्हें नहीं मिले सही कैटेगरी में अदर्स में डालते हुए जाना वापस चलते हैं कार्ट पे ये रहा जब ये सब अपलोड कर दोगे तो ये हट जाएगा अगर नहीं हटेगा फिर भी ये चीज़ तो रहेगी ऊपर कि ये सिर्फ ये कह रहा है कि ऑनलाइन ओनली एप्लीकेशन तो आपको कोई फिजिकल कॉपी भेजने की जरूरत नहीं है अब आपका टोटल बन गया है सेवेंटी फाइव यूरोज इस वाले के लिए और फिर थर्टी थर्टी मेथड क्रेडिट कार्ड चूज कर लेते हैं Proceed to ये रहा. आपने tick, 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 to payment process. अब हम आ गए हैं इनके पेमेंट गेटवे पे आप कार्ड वर्ड का डिटेल डालो वेन करना और सीधा पेमेंट हो जाएगा अब वापस से पीछे पीछे चलते हैं जब ये सारा सब कुछ पेमेंट वेमेंट हो जाएगा तो आपको एक एक्नोलमेंट आएगा तो आपको क्या करना है आपको वापस से माई डॉक्यूमेंट्स में आना है ये जो तो ऊपर लिखा ना एप्लीकेशन फॉर्म इसको सिलेक्ट करके जो एक्नोलिजमेंट आया है उसको अपलोड करना है यहाँ पर जब ये पूरा काम हो जाएगा आपको एक एनवेलप लेना है और उस बड़े वाले एनवेलप में मान लो आपने दस एप्लीकेशन फाइल करी है तो दस सेट अलग अलग नहीं भेजोगे डॉक्यूमेंट्स के आप सिर्फ एक ही सेट भेज रहे हो सारे चीज का सिर्फ एक ही सेट बट दस यूनिवर्सिटी के एसओपी अलग अलग होंगे तो दस अलग अलग एसओपी जाएंगे बट बाकी के जितने भी और डॉक्यूमेंट है वो सिर्फ एक ही जाएगा आपको यूनिसेस के एड्रेस पे भेज देना है अब यूनिसेस का एड्रेस कहाँ मिलेगा आपको यूनिस्ट कुरियर एड्रेस यहाँ पर आओगे यहाँ पर आओगे आप नीचे नीचे आओगे और ये रहा पोस्टल एड्रेस इनका अगर ये एड्रेस एक्सेप्ट नहीं करता है आपका जो भी डीएचएल का बंदा है या जो भी कुछ बोल रहा है अगर तो इन्होंने एक और एड्रेस दे रखा है यहाँ पर ठीक है बट फर्स्ट एड्रेस यही आएगा आपको ये एनवलप के बाहर लिखना है अपने और आपका एप्लीकेशन नंबर लिखना है बस यही होता है ऐसे निकलता है वीपीडी वीपीडी का जो प्रोसेसिंग टाइम है वो लगभग छः से आठ हफ्ते का है तो मेक श्योर sure कि तुम ये सब काम डेडलाइन के पहले कर लो